हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रोतंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से, ठीक है। इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रोतंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रिकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इंपॉर्टेंट योगदान देता है, ठीक है। तो लेकिन जो है ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो है अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पर पहुंचा है तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फ्रेंड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट यू मीन टू इन्फ्लोरेसेंस? Inflorescence is the arrangement of flower on the flora axis of called the peduncles. Peduncles is inflorescence could be terminal and the axillary. There are types of inflorescence is the various types of inflorescence depend upon the types of branchings or peduncles. There are range of flowers. There are two major types of inflorescence. Is the first is the racemos. Racemos is the main axis does not end in the flower but is continued to the grow. Their second is a cymose. Cymose is the main axis in their flower and the growth of limited. Here, the major difference between to the two are given their table. They are different between to the racemose and the cymose. Their inflorescence. Their first is the racemose. A second is the cymose. Their main axis is a so in the unlimited grow in the racemose. And second is a grow is a limited. There are second part is the axis does not be terminate in a flower is a first. The second is the axis end in at flower. The first is a flower occur in the carpenter's order is the oldest flower below their youngest near the apex. The second is the cymose is the flower is the west petal's order terminal and flower ends order. The here types of racemose is inflorescence is the types of racemose. There are the main axis below. Ignore it. Their types racemose is their character and their third is an example. First is the types, second is a character, and third is example. There is a first is the types is a resme. Resme means flower present on the flora, exists the stall gate and arranged the arco petal. As example is a mustard. Second is a apex. Apex there is a character is a like a resme, but their flower are sensile. There is example of Lactizira.
इज अ आर्कोनाथिस एंड थर्ड इज स्पिकेटल. देर इज थर्ड स्पिकेटल इज द कस्टर्ड ऑफ वन आर मोर फ्लावर फ्लोटस एंड देयर इज एसोसिएशन ब्रैक्ट एंड द एग्जाम्पल ऑफ बीट. द बीट इज एग्जाम्पल ऑफ स्पिकेटल. देर इज अ फोर्थ इज अ Canakin. Canakins is the like a spike but their axis of pendulums and wearing their unisexual flower. Their example of mulberry. Mulberry is the example of cat skin. Their fifth is a and last epidix. Epidix is the like a spike but the axis is the fleshes as enclosed by the large slowly bracketed spathin. Their example of banana and colocasia. Here the B is the with the main axis shortened means the types and there is a cracked example as the same as the sixth part in there is a coramem. Corams is the cracked is a lower order flower have the longer stalk than to the upper younger ones. Thus all flower come to lies at the same level. Example candy tuft and their seven is a umbel. Their umbel is a flower with the stalk the equal length arising from the same point. Example coriander. Coriander on your home. The here is a C part with the main axis flattened means head and capitulum. Their character is the main axis is the flattened into the convex lepals and the which is the sensuous flower flottest are arranged in the center petals order. The order is to about to the parallel wolverescence is the surrounding by the involves and the bract. The example of sunflower. Fin here show the different types of there is a fluorescence. There the first is a raceme and the second is spike and third is a epicatal and the fourth is a cat skin and fifth is a spidix and the other is a corams and the umbel and the capitulum. There are different types of cytosome inflorescence in the present here and see you mobile. There the next is the types character an example. There are monocelous cymes. There is a main axis in the flower. A letter branch come from one side and end in a flower. Example is a cotton plant. A cotton is important. There are dicotyl cymes. The dicotyl cymes are two lateral branches devolve from to either side of terminal flower and the each branch into the flower. Example xanthus jasmine. There are multicotyl cymes. There is a number of lateral branches come from to the side of a terminal flower and each lateral branch end in the flower. Is example calotropis. Calotropis is example of multicotyl cyme. Here so in this picture the types of cytosis inflorescence is a monocelous, dicotyls, and phloconcious. There are different categories on your screen. The next is a special types of fluorescence. Here, hypothoriums. Hypothoriums is their flares, epicatals form of cups-like cavity and has an apical opening. The male and female flower are shown on their inner walls of the cavity as a figure people and there is the cytholium. Cytholiums is there are types of ferns characteristics of improbarious in which a cup shaped inflorescence is enclosed a single female flower surrounding by a number of male flower. A nectaris is present at the rims of inflorescence and third is a verticillator. What is luster is their figure. It is a series of endocondenser. There the discosis is cymen. There the each node with their a custard is a himself flower in the axis of leaves. Is a osima. Osima is tulsi is a lizwa. Here so in this picture the special types in France is the hypothyroidiums. The first and second is a cytotheriums and verticillator is the last. There are different types of fluorescence in present here. देखिए दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है पुष्पकर्म या इन्फ्लोरेसेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है. कहते हैं जब तक जो पुष्प की है जो अरेंजमेंट नहीं होती है ना पुष्पकर्म नहीं बनती इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनती है तब तक कुछ भी नहीं होता है. तो इसलिए जो ये चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है. ठीक है
पुष्प अक्ष जो होता है फ्लोरेस एक्सिस पर जो है पुष्पों की व्यवस्था को जो हम क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं, जबकि इसके अक्ष को जो है पुष्प अक्ष यानी पेंडु एंगल्स कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें साथ जो है पुष्प क्रम जो है कक्ष स्थल यानी एक्सिलरी अथवा अग्रस्थल टर्मिनल हो सकते हैं, यानी दो जो हो सकते हैं इसमें एक्सिलरी और टर्मिनल हो सकते हैं, जैसे वो हम पुष्प क्रम कक्ष स्थल अथवा अग्रस्थल कहते हैं, कक्ष स्थल और अग्रस्थल कहते हैं। पुष्प क्रम के प्रकार क्या है तो देख सकते हो, पुष्प क्रम के विभिन्न प्रकार से उसके जो है अक्ष के शाखा एवं पुष्पों के क्रम पर आधारित होती है। पुष्प क्रम जो है मुख्य दो प्रकार से होते हैं, एक जो होता है हमारे समक्ष जो है असीमाक्षी यानी रेजिमोस जो होती है असीमाक्षी होती है। इसमें यही बात दर्शाई गई है कि प्रमुख अक्ष पुष्प में समाप्त नहीं होता है बल्कि निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात रखती है कि ये जो है समाप्त कभी नहीं होती है, ये जबकि बढ़ती ही रहती है जो है प्लांट के जीवन काल के दौरान। उसके बाद सीमाक्षी का मतलब होता है साइमोस का मतलब है प्रमुख अक्ष पुष्प में समाप्त होता है तथा वृद्धि सीमित रहती है। देखिए समाप्त हो जाता है और इसकी वृद्धि जो होती है सीमित हो जाती है, यानी ये एक के पश्चात जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आपका समक्ष जो है असीमाक्षी है और सीमाक्षी है, तो पहला को है असीमाक्षी होगा, दूसरा जो होगा सीमाक्षी होगा, इसमें जो है प्रमुख अक्ष में असीमित वृद्धि होती है। इसमें जो होता है जिसको आप क्या कहते हो ये रेजोमोस जो होती है दोस्तों उसमें प्रमुख में असीमित वृद्धि होती है, जबकि साइमोस में जो होता है जो वृद्धि सीमित होते हैं, यानी इसमें असीमित वृद्धि होती है, दूसरे वाले में जो होता है वृद्धि सीमित होती है, जबकि इसमें जो है रेसियल मोस में जो है अक्ष पुष्प में समाप्त नहीं होता है, जबकि इसमें जो है साइमोसिस में जो होता है अक्ष पुष्प में जो होती है समाप्त हो जाती है। तीसरी बात यही बताता है जो है रेसमोस में जो पुष्प अव्यभासारी यानी अनुक्रम यानी कैरपोटल ऑर्डर में उत्पन्न होती है, जिसमें पुराने पुष्प नीचे तथा अन्य शीर्ष के पास पाए जाते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात आ गया। उसके बाद है साइमोसिस में जो होती है पुष्प तलाभिसारी क्रम यानी वैसो पेटल्स ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें अग्रस्थल पुष्प सबसे पुराना होता है, जो अग्रस्थल होते हैं वो पुष्प जो होते हैं काफ़ी पुराना होता है। अब कहते हैं इसको जो है जिसमें मुख्य अक्ष द्वीय यानी इंग्लोटिट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। इसमें प्रकार दिया गया है, लक्षण दिया गया है और कुछ जो है उदाहरण दिए गए हैं, तो ये उदाहरण के साथ आप समझ सकते हो कि किस चीज़ों में ये पाए जा सकते हैं। तो पहले तो हमारा वही आता है रेजमी जो होती है असीमाक्षी, इसका लक्षण तो होता है अक्ष पर लगे पुष्प अविरत स्टैलक होते हैं और जो है अग्रभिसारी ढंग से व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण जो है सरसों के आप फूल लेके देखना, उसमें आपको ऐसे चीज़ें दिखेगी। उसके पश्चात है हमारा कनिष्क जो होता है स्पाइक को कनिष्क कहते हैं, ये असीमाक्षी जैसा परंतु पुष्प अवृत यानी सेसल्स होते हैं, होता तो असीमाक्षी जैसा ही होता है यानी रेसिमिस के जैसे ही होता है। इसका एग्जाम्पल जो है लट जीरा या अकायरोनस भी इस पर आ सकता है। उसके बाद है कनिष्का यानी स्पैकल्टल। देखिए दोस्तों यहाँ नाम जो है बॉटनी पढ़ रहे हो तो ये डिफरेंट ही होती है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के नाम ही होते हैं, तभी तो कहते हैं आगे का पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप 12वीं में ही अच्छे से नहीं कर पाते हो तो। और जो बच्चे मैंने कहा ना वीडियो समझ लेते हैं देखते हैं तो उनको काफ़ी वर्ड जो है समझ में आ जाता है, जो आगे BSc हो जो बॉटनी लेके करते हैं बच्चे जो मर्जी फील्ड में जाते हैं उनका बहुत ही काफ़ी जो है उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो यही जो है कनिष्का यानी स्पाइकेटल्स जो होती है एक या अधिक पुष्प की गुच्छा होती है, जिसमें जो है पुष्पक सह पत्र यानी ट्रैक्सस के साथ लगे रहते हैं, जैसे गेहूं का आपको देखा ही होगा फूल कैसे होते हैं। उसके बाद नत कणिक यानी कैटरकिन्स, इसमें जो है कनिष्क जैसा परंतु यह अक्ष नीचे की ओर लटका हुआ होता है, जिसे हम एक पुष्प लंगित पुष्प लगे होते हैं, जैसे जो है सतूत के पौधे में ऐसा देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है स्थूल मंजरी का मतलब होता है स्पैडिक्स, ये कणिक जैसा परंतु यहाँ अक्ष मसाल होता है तथा जो है भड़कीले रंग के बड़े ही सहस्त स्पेल से लिपटा हुआ रहता है। तो इसको जो है केला हो गया, कलोकेरिया हो गया, तो ये सारे एग्जांपल है। यहाँ पर जो है कुछ पुष्प भी दिखाया गया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि चित्र भी काफ़ी कुछ बताता है, जिसमें जो है असीमाक्षा दिया गया है, रेजिम दिया गया है, दूसरा दिया जो है कणिष दिया जिसको हम स्पाइक कहते हैं,
तीसरा जो है कनिष्का दिया जिसका स्पाइकिका कहते हैं। तीसरा जो है नत कनिष यानी कैटकिन दिया गया है। उसके बाद सुलमंजरी दिया गया जिसको हम स्पोर्डिक्स कहते हैं। तो सारे कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। उसके पश्चात जो है समशिक दिया यानी कैरेम्बियम दिया गया है। उसका छत्रक दिया गया यानी अम्बेल छत्री यानी छत्ते के जैसा। उसका मुंडक मतलब कैपुटम जो होती है दोस्तों एकदम अलग ही दिखता है। तो ये चीज़ें जो है चित्र से भी आप समझ सकते हो कि कैसा देखने में लगता है। उसके पश्चात बी है जिसमें मुख्य अक्ष यानी अर्धकुरित होती है यानी विथ मेन एक्सिस शॉर्ट एंड। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे समक्ष आता है समशिक यानी करम्ब, जो नीचे पुराने पुष्पों की वृत्त एवं पुष्पों की वृत्त जो से बड़े एक प्रकार के जो है सभी पुष्प एक ही तल तक पहुंच जाते हैं। जैसे कैंटीटप्स जो होती है ऐसे ही बनी होती है। उसके बाद है छत्रक यानी अम्बेल। ये सामान्य पुष्प वृत्ति वाले पुष्प एक ही बिंदु से उत्पन्न होते हैं, जैसे धनिया का पौधा जो आप अपने घरों में भी देख सकते हो ला सकते हो। उसके पश्चात सी पार्ट में आता है जिसमें मुख्य अक्ष चपटा होता है यानी जो विद मेन एक्सिस इज द फ्लैट एंड, ठीक है। तो प्रकार लक्षण हम उदाहरण नियम करते हैं। तो इसमें जो सी से है मुंडक यानी हेड यानी कैप्टुलम जो है अक्षण इसका जो यही दिखाता है कि ये प्रमुख अक्ष फैल कर कन्वेक्स पुष्पासन यानी कन्वेक्स यानी रिसेप्टल बनाता है जिस पर जो है पुष्टक नामक फ्लोरेक्स्ड अव्यय पुष्प स्थित होते हैं। ये अभिकेंद्रीय क्रम यानी सेंट्रल पेटल्स ऑर्डर में लगे होते हैं अर्थात पुराने पुष्प परिधि की ओर स्थित होते हैं। संपूर्ण पुष्पक्रम जो है सब पत्रों के परिचक्र से घिरा हुआ रहता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट भी बनाता है। उसके पश्चात है आपके समक्ष जो है ससमाक्षी पुष्प के प्रकार। देखिए जो ससमाक्षी पुष्प आपने पढ़ा था तो उसको क्या डिफरेंस है, तो इसमें यही बोला गया है कि साइमंस जो होते हैं इसमें प्रकार जो है एक शाखी समी मिक्षी यानी एक शाखी क्या होता है इसका जो लक्षण होता है, ठीक है। एक शाखी समीक्षाक में जो है मुख्य अक्ष एक अंत तक पुष्प में होते हैं और उससे एक पार्श्व शाखा निकलती है तथा उसके अंत में भी एक पुष्प बनता है। उदाहरण कपास के पौधा कपास के फूल, तो ये आ गया एग्जांपल। उसके बाद द्विशाखी समीक्षा यानी डायकोसिस सेमेंस यानी अग्रस्थल पुष्प जो है टर्मिनल फ्लावर के दोनों तरफ दो पार्श्व शाखाएँ बनाती है तथा प्रत्येक शाखा का अंत एक पुष्प से होता है जैसे डैंड्रस या चमेली। उसके पश्चात है बहुशाखी यानी ससमीक्षा, इसका मतलब है अग्र पुष्प के पास से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती है तथा प्रत्येक शाखा का अंत एक एक पुष्प से होता है जैसे आग यानी इसको हम कह सकते हैं कैलोट्रोपियस जो है इसका एग्जांपल है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो समीक्षा पुष्पों के प्रकार दिया गया है, एक शाखी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद द्विशाखी दिया गया है, उसके बाद बहुशाखी। तो नाम से पता लग रहा है कि एक शाखी मतलब एक होगा, द्वि मतलब दो, बहु मतलब बहुत सारे। तो ये आपके लिए समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। उसके पश्चात है विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लोरेशन क्या होती है, सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है हाइपोथैपियडम। हैपीथैपियाडम जो होती है ये है मांसल पुष्प शासन यानी फ्लैसोसेप्टल्स एक कप के समान गुहा बनाता है। इसके शीर्ष पर एक छिद्र द्वार होता है, नर एवं मादा पुष्प गुहा की अंतर्भित्ति जो पर लगे होते हैं जैसे अंजीर में देखा होगा या पीपल के पौधों में देखा होगा। उसके बाद है सायोथियम जो होती है एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है जो विशेष रूप से इंफ्रोवियस में होता है। इसमें एक कप सामान्य परिचक्र होती है यानी फ्लोर क्रेस होती है जो नर पुष्पों के और उसके द्वारा घिरे हुए केवल एक मादा पुष्प के चारों ओर घिरे हो रहते हैं। इसे हम परिचक्र के कोर पर जो है मकरंद कोश यानी नेक्टोनेरिस उपस्थित होता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है कूट चक्र यानी वर्टिसुलरेस्टर, यह एक सदैव दीर्घाडित समीक्षा पुष्पक्रम है जिसमें हर एक जो है पर्व संधि के अवृत्त पुष्प के गुच्छे आसपास तथा पतियों के कक्षाओं में व्यवस्थित रहते हैं जैसे असिसम तुलसी, ठीक है, सिल्विया आदि। जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हो, डायग्राम में भी आपको देख सकते हो, इसमें डायग्राम जो है दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है हाइपोथैसियम्स के दिए गए हैं, दूसरा जो है सायथियम्स के दिए गए हैं और तीसरा जो है कुट चक्र के दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब जो दोस्तों हमारा जो है हमारे समक्ष जो है वो फल है, तो देखते हैं फल में क्या है यानी फ्रूट में क्या विशेषताएं हैं। फ्रेंड द फ्रूट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। द फ्रूट इज द इम्पोर्टेंट एंड मिनरल्स फॉर अ ह्यूमंस द
where a true fruit is the repent or ovaries that develop after the fertilization. There's a wheel that developed into the seeds and the ovaries wall mature into the fruit ball, which are now called the pericarps. Their pericarps is maybe a things of thin, thick of thin. Their fleshy fruit like a mango, pericarp is a things and the differentiate into the three regions: epicarps from the skin of the fruits, and mesocarps, middle pulps, and the endocarps, inner hard and a stone is a example, coconut. And mango are the offline things. The membranes orange in a dry fruit is the pericarps, is a thing. Dry papyrus are things and the bodiline, but not be divided into three regions. Sometime along with their ovaries, outer flora part like a thymus is a reticles or galaxy may be devolved as a part of fruit. Such a fruits are called to flows false fruit. The apple, pear, thymus figure is a receptacle. Their parathermocarpix is a fruit. It is a fruit that is developed within without fertilization. It is a seedless or has a non-viable seeds. Example, banana, grapes, and horticulturists as producing such a fruits artificially. The kind of fruits, there are three basic types. The first is a simple fruit developed from the single mono to polycarpellars is the senocarpus fused ovary for a peas and tomato. And second is aggregate fruits is a collection and traders or simple fruits are fruitlets on same thymus developing from the polycarpellars, apocarpus free and the carpus ovary, example calotropheus and the ranunculus. And third is a composite are there multiply the fruit. The fruits is the developed from the number of flowers and just opposed together are form a inflorescence is a mulberries and pine apple. तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि फल के नाम सुनते ही किसी के भी मुंह से पानी आ जाता है. तो ये फल के जो पार्ट होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं तो ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है. तो इसी पे जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर लाया है फल के बारे में भी इंफॉर्मेशन कि फल की आखिर कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो ये हमारा सिलेबस भी है. कहते हैं वास्तविक में एक फल प्रवृत्त अंडाशय है जो कि निषेचन के उपरांत जो है विकसित होता है. बीजाणु बीज में जो विकसित होते हैं तथा अंडाशय भित्ति प्रवृत्त होकर फल की भित्ति बनता है जिसे अब हम फली भित्ति यानी पेरिकर्प्स कहते हैं. फल भित्ति मोटी तथा पतली हो सकती है. कहते हैं सरस या मंसल जो है गुद्देदार यानी फ्लैशलेस फलों जैसे आम में फल भित्ति मोटी होती है तथा तीन भागों में विभक्त होती है. एक तो होता है बाहरी भित्ति जिसे हम एपिकर्प्स कहते हैं फल का छिलका बनाता है. उसके बाद है मध्य भित्ति जिसको हम मेसोकर्प्स के बीच के में कहते हैं जैसे गुद्दे वाला भाग होता है तथा अंत में जो होती है अंत भित्ति जिसको हम एंडोकर्प्स कहते हैं जो कठोर तथा कष्ट की होते हैं. जैसे आप आम में देख सकते हो नारियल में देख सकते हो. या अधिकतर पतली तथा जो है झिल्ली में जैसे संतरा होती है. कहते हैं शुष्क फलों में जो है फल भित्ति पतली कागज़ की तरह एवं शुष्क तथा मोटी एवं कष्ट किए परंतु तीन भागों में विभक्त नहीं होती है. कभी कभी जो अंडाशय के साथ साथ अन्य पुष्पीय भाग जैसे पुष्प आशनयान थैमस स्तंभक यानी स्पिट्रेकल्स या बाहरे पुंज यानी कैल्सिस विकसित होकर फल का हिस्सा बन जाते हैं. ऐसे फल को जो है आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं. तो फॉल्स फ्रूट मतलब समझ ही गए हुए दोस्तों किसे कहते हैं जो कि विकसित होकर फल का हिस्सा बन जाता है. ऐसे फल को जो है आभासी फल कहते हैं ना फॉल्स फ्रूट कहते हैं. जैसे कि सेब होता है, नाशपाती होता है जिसमें अंजीर भी सम्मिलित होता है. तो ये सारे चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है. कहते हैं उसके पश्चात जो है अनिपेशक फल यानी पैर्थोकार्पोफिक्स फ्रूट्स. ये एक ऐसा फल है जो बिना निषेचन के विकसित हो जाते हैं यानी इसमें निषेचन होने की आवश्यकता नहीं होती है. इसमें बीज जो होती है अनुपस्थित होते हैं यानी बीज होते ही नहीं है इसमें, ठीक है. अथवा बीज जो है जीवन क्षम होते हैं जैसे केला, अंगूर, अधान विशेषज्ञ कृत्रिम रूप से ऐसे फल पैदा कर रहे हैं जिसमें बीज ही नहीं होता. केला में देखोगे तो उसमें बीज नहीं होता, अंगूर में देखोगे तो बीज नहीं होगा जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है. कहते हैं दोस्तों कि फलों के जो प्रकार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है. कहते हैं फल जो होता है इसमें इसके प्रकार जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है.
कहते हैं फल मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल फल यानी सिंपल, यह फल एक अंडापी बहुडंपी या युक्तडंपी अंडाशय से विकसित होता है, जैसे कि मटर और टमाटर के आपने देखा होगा। उसके पश्चात है पुंज फल यानी एग्रीगेट, ये जो होता है एक ही जो पुष्पाशन पर लगे असंख्य एकल फलों तथा सूक्ष्म फलों की यानी फ्रूटलेट्स का समूह अथवा पूंजी होते हैं, जिसे प्रत्येक फल जो है बहुडंपीय युक्तडंपीय अथवा जो है यह अंडाशय से विकसित होता है। जैसे आप मदार या कैलोटैपियस या रेनोकुलम्स को देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद है संघृत फल, देखिए कंसोपोडिस यानी मल्टीपल्स भी कहते हैं इसको। यह फल जो है संपूर्ण पुष्पक्रम से या असंख्य आसपास की स्थिति तालिका पुष्पों से विकसित होता है, जैसे शहतूत और अनानास। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने जो है इसमें हर चीज़ के बारे में जाना है, पौधों के हर एक पार्ट के बारे में हमने सूक्ष्म से दर्शन किया है। तो देखिए, इसके कोई भी पार्ट अगर आप मिस करते हो तो हो सकता है कि आप इम्पोर्टेंट बात से जो हो अनभिज्ञ रह जाओगे। इसलिए दोस्तों कोशिश करो कि सारे पाठों को जो है अच्छे से समझो और देखो। और क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण एसवी सेंटर आपके लिए हेल्पफुल के लिए एक जो है बड़ा पाठ भी रखता है, क्योंकि बच्चे जो कुछ होते हैं कहते हैं ये कंप्लेंट करते हैं कि भाई पाठ तो मिलते नहीं हैं। तो पाठ नहीं मिलते तो आप जो हो इसके कई पाठ होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है कम पाठ किस लिए बनाया जाता है कि इसके जो है क्वालिटी अच्छी रखी जाए। दूसरी बात रहता है अगर कम क्वालिटी में देखना है आपको तो वो भी अच्छा ही रहता है जो आपको फुल्ली पाठ होता है। तो फुल्ली पाठ जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए पूरे समझने के लिए, ठीक है। तो जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए कि त्रिपाण एसवी सेंटर सिर्फ आपके लिए ही कार्य करता है और आपके सुविधाओं को ही ध्यान रखता है। तो आपको भी ये फर्ज बन जाता है कि त्रिपाण एसवी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सब फैलाए। जितना त्रिपाण एसवी सेंटर को आप विस्तृत करोगे उतना जो है त्रिपाण एसवी सेंटर आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए नहीं, विचार मत कीजिए, क्योंकि सोचना विचार करना तो पढ़ने के समय था, अभी तो है शेयर करने का समय और लाइक करने का समय है और जो है पूरा वीडियो देखने का है। तो यही चीज़ आपको जो है आपको अलग बनाएगा और आपको जो है एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्पफुल रहेगा। ओके दोस्तों, आप अब इसी तरह त्रिपाण एसवी सेंटर को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमेशा जो है अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बड़ों को भी सम्मान कीजिए, बड़ों को भी आदर कीजिए, क्योंकि त्रिपाण एसवी सेंटर चाहता है कि सब कुछ जो है सिस्टमैटिक और अच्छे से हो, जो कि आपको एक आदर्शमय जो है जीवन यापन करने के लिए आपको जो है महत्वपूर्ण बनाए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण एसवी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करके त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण एसवी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण एसवी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण एसवी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।